ये चुराना नहीं बना लो ना ये हमने नहीं पति करता नहीं कभी नहीं ना चलो जी। आज तकरीबन मैंने पिछले साल पांचवें महीने मैंने ये कैपेक्स बजट में 17 लाख रुपए की एम्बुलेंस रखी थी और आज जो है ये आपके बीच में आ गई। बाकी काफ़ी सारे काम जो है हमने रखे हुए हैं, आते हुए काफ़ी वक्त लगता है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मैंने पांचवें महीने रखी थी और आज कौन सा महीना चल रहा है, तो तकरीबन 1 साल के बाद जो है ये आपके पास आई है और भी बहुत से काम जो हैं आपके होंगे। ये जब यहाँ पे जितने भी हमारे सरपंच हजरात हैं और BMO साहब यहाँ पर आए और सरपंच हजरात जो हैं यहाँ पे उनने एक बात की कि यहाँ पे एक डॉक्टर जो है, एक डॉक्टर यहाँ अवेलेबल रहना चाहिए और इस गाड़ी का मकसद तब कंप्लीट होगा जब इसकी मेंटेनेंस प्लस एक जो ड्राइवर है वो अवेलेबल हो। तो ये जनाब का काम है, इससे पहले भी आप हमेशा जो है वो तावन करते रहे हो, तो हम आज भी उम्मीद रखेंगे क्योंकि ये सब सरपंचों की डिमांड है और यहाँ की आवाम की डिमांड है। बाकी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं आपको एक बात कह दूं कि तहसील मनकोट, मैं ये आज कहूँगा कि तहसील मनकोट सिर्फ नाम की तहसील थी। अभी हमने इस तहसील में ना एम्बुलेंस थी, ना हॉस्पिटल है, ना कॉलेज है, ना बढ़िया स्कूल है, ना बढ़िया सड़कें हैं, ना और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। और आज हमने इस चीज़ के लिए कोशिश करनी है कि हमारे यहाँ पर आने वाले वक्त में ये हमारा हॉस्पिटल भी ठीक हो। और इसमें हमें आप सबका जो है वो साथ चाहिए, जितने भी सरपंच हैं, क्योंकि सरपंचिस को गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा पावर दी है, ठीक है। और मैं ये सरपंची से भी कहूँगा कि अपने इलाकों में, अपनी पंचायतों में इस तरीके से काम करें, अपने PHC जो हैं और अपने जो इस तरीके की डिमांड आगे करें। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए और ये अमानत जो है ये आपकी थी, ये मैं आज आपको दे के जा रहा हूँ। क्या बात है।